आई एम सैयद जुबैर फ्रॉम मुंबई. मैं इंटरनेशनल शोज़ करता हूँ और मेरा पैशन है एक्चुअली ये. जब मैं छोटा था तब से पेंटिंग करता हूँ. मैं राइटर भी हूँ तो ये मेरा पैशन है. हाय गाइस, आई एम सैयद जुबैर फ्रॉम मुंबई और मैं यहाँ पे पुणे एग्जीबिशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और आई एंजॉय अ लॉट. इज़ अ गुड स्टॉल्स और अच्छे आर्टिस्ट है और इंटरनेशनल लेवल पे मेरा दुबई में और दूसरी जगह भी शोज़ होते हैं. सो आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा मुझे. और यहाँ पे मुझे टीवी 10 ने कवर किया है, थैंक्स फॉर दैट. और ये सब, ये काफ़ी मेरे पेंटिंग्स हैं यहाँ पे. और दूसरा मेरा और बिज़नेस है, वो मैं राइटर हूँ और मेरा स्टोन का बिज़नेस है. और उसके बाद और काफ़ी बिज़नेस है दूसरे, लेकिन मुझे मेरे ये मेरा पैशन है, इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. सो आई एम डूइंग द बेस्ट और नाउ सी व्हाट पीपल लाइक एंड थैंक्स. हाँ गाइस, आप लोगों को ये भी बताना था कि मैंने काफ़ी शो ये किया है, शोज़ किया है, एग्जीबिशंस किया है. जैसे कि मुझे याद नहीं रहता है तो मैं आपको बता दूं, कला पर्फ किया, कलर आर्ट किया है, माइंडस्केप किया है, कस्टमाइज किया है, डिलाई आर्ट किया है, दुबई आर्ट किया है, ऐसे इंटरनेशनल आर्ट्स किया है और नेशनल लेवल पर भी किया है हमने. तो हम रहते हैं मुंबई में लेकिन काम सब तरफ करते हैं और पुणे आर्ट्स में एग्जीबिशन में हमने अभी पार्ट लिया है. सो आई एंजॉय, अच्छा लगा मुझे. और फ्रेंड्स, ये जो मुझे आइडियाज़ आते हैं, एक्चुअली मैं कभी भी, मुझे अचानक में कोई लगता है कि मुझे पेंट करना चाहिए या लिखना चाहिए और सडनली कोई सीन देख लेता हूँ तो मैं उसको या तो लिख लेता हूँ, अगर लिख लेता हूँ तो राइटिंग हो जाती है, और अगर मैं पेंटिंग्स उतार लेता हूँ तो वो मेरी डिज़ाइन हो जाती है और वो मेरा आर्ट्स हो जाता है. सो आई लव माई आर्ट्स. मैं अपना पैशन इस तरीके से कवर करता हूँ कि लोगों को उसमें इंजॉय इसलिए मिलता है, उसमें रियल इसलिए लगता है कि वो मेरी फीलिंग्स है और वो नेचुरल वे में बनती है. मुझे जब भी कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको अपनी आँखों में उतार लेता हूँ और फौरन उसको राइटिंग करता हूँ, और राइटिंग करके या तो फिर मैं राइटिंग में लिख लेता हूँ और या उसको आर्ट्स में लिखता हूँ. तो अगर आर्ट्स में लिखता हूँ तो उसका रिज़ल्ट ये आता है, और अगर मैं राइटिंग में लिखता हूँ तो मेरा फिर सॉन्ग्स और आप वो सब राइटिंग आप देखेंगे तो यू कैम टू नो दैट कि मतलब मैं क्या लिखता हूँ. तो आप मुझे फॉलो करोगे तो उसमें आपको सब डिटेल्स भी मिल जाएगी. और ये सब देखिए आप, उसके बाद जितने ये पेंटिंग्स है, ये बुद्धा की पेंटिंग्स है. ये मुझे अचानक में लगा कि एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो ये बुद्धा को बिलीव करते हैं. उन्होंने बोले मैं अपने फेस्टिवल में जा रहा हूँ बुद्ध, तो मैं उसी टाइम लेके बैठ गया बुद्धा, फिर मैंने वो बुद्धा बनाया. बिकॉज ये नेचुरल फीलिंग्स है मेरी, तो मैं उसके साथ प्ले करता हूँ एंड आई लाइक, आई लव इट. मैं अपने बचपने से यही काम कर रहा हूँ और मैं इसमें बहुत खुश हूँ. और फ्रेंड्स, ये आपने देखा है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है माशाल्लाह माशाल्लाह. एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ, मोमेडन हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो नॉन मुस्लिम है और जो बुद्धा में बिलीव करते हैं, जो शंकर में बिलीव करते हैं, मैं सब बनाता हूँ. बिकॉज इसका कोई धर्म नहीं होता है, आर्ट्स का कोई धर्म नहीं सर, और मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखता हूँ. बिकॉज अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. तो मैं सब चीज़ बनाता हूँ. आप देखिए यहाँ पर माशाल्लाह लिखा है तो यहाँ पर मैंने बुद्धा रखा है और दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन दिया है. बिकॉज आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी. तो आप लोग प्लीज़, आप लोग ये देखिए और ये मैसेज सबको दीजिए सर. और हाँ फ्रेंड्स, पर्टिकुलर मैं इस टीवी 10 के बारे में बोलना चाहूँगा. ये लोगों ने मुझे कवर किया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ इस चैनल के और आप लोगों के, जो इस चीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए सर, प्लीज़ आप लोग देखिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो प्यार, इससे प्यार बढ़ेगा सर. बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ और मैं ये ह्यूमैनिटी में बिलीव रखता हूँ और मैं हर तरीके के आर्ट्स करता हूँ. तो प्लीज़ ये मैसेज आप सब तक पहुँचाइए और मेरा बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगा टीवी 10 को कि इन लोगों ने मुझे कवर किया एंड थैंक यू वेरी मच. सो आई एम डूइंग द बेस्ट और नाउ सी व्हाट पीपल लाइक. जस्ट आपके ये चैनल पे भी आप देख सकते हैं और मेरा पर्सनल चैनल भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू. थैंक यू. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.